हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं झटपट बनने वाली और बहुत ही टेस्टी से एक नाश्ता, जिसे कि आप मिनटों में बना के तैयार कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है ना कि हम ब्रेड लेते हैं, ब्रेड को हम यूज़ करते हैं, उसके जो किनारे होते हैं इसे हम फेंक देते हैं। तो आज हम उसी किनारों से बनाने वाले हैं एक टेस्टी सा नाश्ता। तो देखिए, जो ब्रेड है जिसकी कि हम लोग ने साइड्स को निकाल दिया है इस तरह से, तो इससे हम बनाएंगे आज नाश्ता। तो हमने ले लिया है ये ब्रेड के निकले हुए साइड्स। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं ब्रेड के निकले हुए किनारों से एक टेस्टी सा नाश्ता। तो ब्रेड के किनारों का नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले गैस पर हमने रख दिया है एक पैन, और उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच बटर। बटर को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए, बटर अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब उस पर हम डाल देंगे जो ब्रेड के किनारे हैं उसको डाल देंगे, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर क्रिस्पी होने तक सेक लेंगे। आप चाहे तो बटर के बदले इसमें ऑयल भी ले सकती है, या फिर आधा बटर आधा ऑयल भी ले सकती है। अब हम इसे क्रिस्पी होने तक सेक लेते हैं। देखिए, जो ब्रेड के साइड्स है जिसे कि हमने 4 से 5 मिनट तक अच्छे से सेक लिया है, और ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं ब्रेड का टेस्टी सा नाश्ता, जिसके लिए गैस पर हमने रख दिया है एक पैन, और उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच तेल। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम उसमें डाल देंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन और थोड़ा सा कसा हुआ अदरक का टुकड़ा, और इसे हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक प्याज। एक प्याज है जिसे कि हमने चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे छोटा सा टुकड़ा गाजर का, 2 डाल देंगे लंबी कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से डाल देंगे कॉर्न, और साथ ही एक कटा हुआ टमाटर जिसे कि हमने चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है, और इन सारी सामग्री को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई पर रखेंगे और इसे हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है। देखिए, जो हमारे वेजिस है जिसे कि हमने सॉफ्ट होने तक पका लिया है, हमें इसे क्रंची रखना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे कुछ सॉसेस, जिसमें हम डालेंगे एक चम्मच टोमेटो सॉस, एक चम्मच डाल देंगे इसमें चिली सॉस, एक चम्मच डाल देंगे इसमें सोया सॉस, साथ ही डाल देंगे थोड़ी सी आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और इन सारी सामग्री को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। सॉस को हम वेजेस के साथ में 1 से 2 मिनट तक पका लेंगे, और साथ इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि सोया सॉस में भी नमक होता है, इसलिए नमक थोड़ा संभाल करके डालिएगा। और इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट तक इसे भून लेंगे। देखिए, हमने इसे 1 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे, हमने क्या किया है कि 1 चम्मच लिया हमने कॉर्नफ्लोर, और कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के इसका घोल बना लिया है। तो कॉर्नफ्लोर के घोल को भी इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे, और गैस की फ्लेम हम तेज़ी रखेंगे और इसे फिर से 1 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए, जो हमारी वेजेस अच्छे से मिक्स हो गई है, सॉसेज के साथ अच्छे से पक चुकी है, कितना बढ़िया लग रही है। अगर आपके पास कैप्सिकम पसंद करते हैं तो आप इसमें कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, या फिर जो बीन्स होती है बीन्स को भी टुकड़े करके इसमें डाल सकते हैं। तो हमारा मसाला तैयार है, उसमें हम डाल देते हैं ब्रेड के साइड्स को, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बस हम इसे 1 मिनट मिक्स करेंगे, जिससे कि जो हमारे ब्रेड के साइज है एकदम क्रंची रहे। देखिए, हमने ब्रेड को मसालों के साथ 2 मिनट तक अच्छे से भून लिया है, और हमारा टेस्टी सा नाश्ता बनके तैयार है।
ऊपर से स्प्रिंकल कर देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया और इसे गर्मा गर्म निकालते हैं सर्विंग प्लेट में। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा सुपर टेस्टी, सुपर यम्मी, झटपट बनने वाला ब्रेड के किनारों से बना हुआ टेस्टी सा नाश्ता। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करिए। अब मुझे पूरा यकीन है, जब भी ब्रेड के साइड्स बचेंगे आप उसे फेंकेंगे नहीं बल्कि ये टेस्टी सा नाश्ता बनाएंगे। तो मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।